जैन सिंह, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस होमगार्ड की आई नई वैकेंसी 2024 के बारे में, जिसमें टोटल पोस्टों की संख्या 10,285 है। तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सिंपली जो भी कैंड मैट्रिक पास है या फिर इंटर पास है वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब आपको मन में डाउट होगा कि सर आखिरकार 10वीं पास हमें क्या इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 10वीं पास पर भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको यहाँ पे इंटर पास होना जरूरी होगा। ठीक है, तो कौन से कैंडिडेट 10वीं पास इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट यहाँ पे 12वीं पास पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा ताकि आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करते समय दिक्कत न हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से घर बैठे आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पीसी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल लिंक है। आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दी, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक मेंशन किया गया। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो दिल्ली पुलिस होमगार्ड का वैकेंसी आया है उसी को लेकर यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया एप्लीकेंट नेम, यानी कि जो भी आपका नाम है उसको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे देखिए नीचे साफ तौर पर मेंशन किया गया नाम आपको वही डालना है जो कि आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक के मार्कशीट पर दिया हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पर दिया हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आप अपना पूरा नाम डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा और ईमेल आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको एक मैसेज आएगा जो कि आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, यानी कि जो यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट आवेदन करें यहाँ पे अपना फादर नेम डालेंगे और जो महिला है यहाँ पे अपना हस्बैंड नेम डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जनरल ओबीसी एसटी जो भी आपका कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट आपको डाल देना है। ठीक है, हाइट आपका क्या है, जो भी आपका हाइट है उसको डाल दीजिएगा, जैसे कि मेरा हाइट 1.68 है तो मैंने आपको 1.68 डाल दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर यहाँ पे डालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जो कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी मैसेज आएगा। तब यहाँ पे आधार नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए मेंशन किया गया एक सर्विसमैन डिटेल, यानी कि यहाँ पे जो एक सर्विसमैन है उनके लिए क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर नहीं, अगर है तो यहाँ पे एस कीजिएगा, अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे नो करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नहीं हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे नो कर दूंगा, जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पे डालकर अपना पीरियड डाल दीजिएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप एक सेंट्रल आर्म फोर्स में दिल्ली पुलिस में हैं या फिर नहीं है, तो यहाँ पर है तो यहाँ पे इस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे भी नो कर देना है। ठीक है, जो कैंडिडेट फ्रेशर है, जो कैंडिडेट सिर्फ 12वीं पास है वो भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इस बात को भी लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एड्रेस भरना होगा, जैसे कि एड्रेस लाइन वन में आप अपना विलेज पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सिटी डालना है, दिल्ली अपने आप ले लेगा। इसके बाद पिन कोड डालकर यहाँ पे स्टेट डाल देना है दिल्ली, और यहाँ पे आप यहाँ पे जो चेकबॉक्स यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चले आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेंशन करें कि आपको क्या प्रूफ देना चाहते हैं, आप यहाँ पे रेसिडेंटल के लिए यानी कि डोमिसाइल के लिए आप क्या सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि आप दिल्ली की निवासी हैं, तो यहाँ पे देखिए उसको लेकर मेंशन किया गया है कि आप पासपोर्ट राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड होता है मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ से आपको यहाँ पे इसका डिटेल भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा, जैसे मैं आपको एक फॉर्म फिलअप करके ऐसे ही दिखा रहा हूँ तो मैंने कुछ भी डाल दिया, लेकिन आप यहाँ पे जो भी आपका रियल होगा वही डालिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मैट्रिक और इंटर का जो भी आपका मार्कशीट है उसका यहाँ पे डिटेल डालिए। ठीक है, जैसे कि क्या क्या डालना होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है मैट्रिक में इंटर में उसको यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मैट्रिक इंटर दोनों दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है, रोल नंबर क्या है मैट्रिक इंटर दोनों का,
यहाँ पासिंग ईयर डाल देना होगा, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा, और परसेंटेज आपको डाल देना होगा कितना परसेंटेज आपके पास आया हुआ है मैट्रिक और इंटर दोनों में, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपके मन में डाउट होगा कि क्या हम 10वीं पास हैं तो सिर्फ आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं लेकिन एक सर्विस में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो पहले से काम कर चुके हैं वही कैंडिडेट यहाँ पे 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने दिल्ली पुलिस होम गार्ड या फिर दिल्ली पुलिस में काम नहीं किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे इंटर पास होना जरूरी है, इंटरमीडिएट पास आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इन दोनों यहाँ पे डिटेल को डाल दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इसको भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटर पास पे फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया बोनस मार्क क्लाइम, यानी कि अगर आप यहाँ पे एनसीसी किए हुए हैं, आप बोनस अंक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि आपको डालना ही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, अगर आपके पास होगा ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, कोई भी आपका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डालकर इसको भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो सिंपली यहाँ पे मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ फिर से पूछा रहा है क्या आपके पास क्या मेंशन किया गया सर्फिटेक और बेसिक और एडवांस कोर, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास है तो यहाँ पे इस कीजिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि होम गार्ड वॉलंटियर डिटेल, तो इसको भी आप जो अगर आपके पास है तो यहाँ पर नो कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया कि आपका यहाँ पे बोनस अंक दिया जाता, अगर आपके पास होता एनसीसी सर्टिफिकेट तो मेरे पास है नहीं तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया है, जैसे कि यहाँ फोटो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कीजिए। फोटो का साइज यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 से 50 के बीच होना चाहिए, जो कि आपका इमेज होना चाहिए, जीपीजी होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 50 के बीच होना चाहिए, और ये भी आपका जो इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए वो आपको जीपीजी या फिर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट मेंशन किया गया जो कि यहाँ पे याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके या फिर कह सकते हाईलाइट करके दिखा दूँ कि मेंशन क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपको बाएं हाथ का जो थंब इम्प्रेशन है, अंगूठा है, उसका यहाँ पे इमेज या फिर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद आपको प्रीव्यू करना होगा, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना भी जरूरी है, और यहाँ पे इसका भी साइज 10 से 50 के बीच होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको फटाफट इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका डिटेल डाला होगा सारा शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जनरेट एंड इंटर ओटोपी, यानी कि जो भी आपके मोबाइल पर यहाँ पे ओटोपी आया है उसको वेरीफाई करना होगा, यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल है या फिर ईमेल है वहाँ पे एक मैसेज आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको ओटोपी डालकर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया प्लीज चेक योर मोबाइल एंड ईमेल ओटोपी, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको चेक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे डालकर इसके बाद जो है कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पे एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो मैं चलिए फटाफट यहाँ पे अपना जो मैसेज है जो ओटोपी है वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ओटोपी डाल दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया है, सिंपली मैं सबमिट करूंगा क्योंकि मैंने अच्छे से डिटेल मिला लिया है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, यहाँ पे ओके कर देना है क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि आप एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेंशन क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर है, आ गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है लेकिन अभी आपका फॉर्म फिलअप करना बाकी है। आगे यहाँ पे देखिए मेंशन क्या है कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, यहाँ पे कैसे पेमेंट करना होगा उसके बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए मेंशन क्या है कि यहाँ पे आप यहाँ पे पेमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ से एक बात याद रखिए कि इसका लास्ट डेट आपको 13 फरवरी तक रखा गया है। जैसे हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि कार्ड, UPI, स्कैन, वॉलेट, तो किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं पेमेंट बाद में करूंगा, यहाँ तक मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी मेंशन कर दी है। बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे पेमेंट और आय की प्रक्रिया का वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया।